डियर सब्सक्राइबर, वेलकम टू द कंप्लीट एग्जाम। आज के स्टूडियो हम डिस्कस करेंगे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के ऊपर। मैंने यहाँ पे टॉप 50 एमसीक्यू सिलेक्ट किए, ऐसे एमसीक्यू सिलेक्ट किए जो अक्सर करके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका पार्ट टू है। इसके कुछ दिन पहले मैंने इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था, वहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यू सिलेक्ट किए थे और आप सभी को समझा के बताया था। आप उस वीडियो को जाके देख लीजिए, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस वीडियो की लिंक दे दूंगा, तो आप वो भी वीडियो देख लीजिए। और इसका सेकेंड पार्ट है और मैंने इस वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो वहाँ पे जाके आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का हमारा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन क्या बना है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमनली यूज सप्लीमेंट्री रेस्ट्रेंट सिस्टम इज ईयर बैग। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ईयर बैग। ईयर बैग इज द मोस्ट कॉमनली यूज सप्लीमेंट्री रेस्ट्रेंट सिस्टम। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑटोमोबाइल जीवीडब्ल्यू रेफर टू। तो जीवीडब्ल्यू का अपने को फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस व्हीकल वेट। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? ग्रॉस व्हीकल वेट। याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बल्ब इन अ कार विल हैव द लिस्ट वोल्टेज। ऐसा कौन सा बल्ब है जिसका लिस्ट वोल्टेज होता है, यानी कम से कम वोल्टेज होता है? उसका करेक्ट आंसर है इग्निशन वार्निंग बल्ब। करेक्ट आंसर इज इग्निशन वार्निंग बल्ब। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लैशिंग ऑफ लाइट पर मिनट इन अ डायरेक्शन इंडिकेटर इज अबाउट 90। क्या होती इसकी? करेक्ट आंसर 90। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिनर इज एडेड टू द पेंट इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज इस विस्कोसिटी। जो थिनर है वो पेंट में क्यों ऐड किया जाता है? उसकी जो विस्कोसिटी उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए ये ऐड किया जाता है। क्या? थिनर। कहाँ पे? पेंट में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ एडिंग पिगमेंट टू द पेंट इज दैट इट गिव कलर एंड फिलिंग अप इफेक्ट टू द पेंट। द पर्पस ऑफ एडिंग पिगमेंट टू द पेंट इज गिव कलर एंड फिलिंग अप इफेक्ट टू द पेंट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग टैपेड एयर फ्रॉम द सिलेंडर ब्रेकिंग सिस्टम इज नोन एज ब्लीडिंग। करेक्ट आंसर इज ब्लीडिंग। ब्लीडिंग क्या है? द ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग टैपेड एयर फ्रॉम द सिलेंडर ब्रेकिंग सिस्टम इज नोन एज ब्लीडिंग। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ब्रेक फ्लूइड इज लो विस्कोसिटी एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। जो ब्रेक फ्लूड है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? क्या है? एक है लो विस्कोसिटी एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ द ब्रेक फ्लूड इज पावर ट्रांसमिशन। द पावर ट्रांसमिशन इज द मेन फंक्शन ऑफ ब्रेक फ्लूड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इफेक्ट ऑफ वेपर लॉकिंग ऑन द ब्रेक परफॉर्मेंस इज दैट द ब्रेक फेल कंप्लीटली। द इफेक्ट ऑफ वेपर लॉकिंग ऑन द ब्रेक परफॉर्मेंस इज दैट द ब्रेक फेल कंप्लीटली। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम पार्किंग ब्रेक फोर्स इज जनरली डैश 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 ग्रॉस व्हीकल मास 20%। करेक्ट आंसर इज 20%। द मिनिमम पार्किंग ब्रेक फोर्स इज जनरली 20% ऑफ ग्रॉस व्हीकल मास। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्किंग ब्रेक जनरली एक्ट ऑन रियर व्हील। द पार्किंग ब्रेक जनरली एक्ट ऑन रियर व्हील। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्किंग ब्रेक्स एम्प्लॉयड इन व्हीकल आर ऑपरेटेड मैकेनिकली। द पार्किंग ब्रेक आर एम्प्लॉयड इन व्हीकल आर ऑपरेटेड मैकेनिकली। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ब्रेकिंग द ब्रेक शू इज मूव आउटवर्ड टू द फोर्स ऑफ लाइनिंग अगेंस्ट द ब्रेक ड्रम। ड्यूरिंग ब्रेकिंग द ब्रेक शू इज मूव आउटवर्ड टू फोर्स द लाइनिंग अगेंस्ट द ब्रेक ड्रम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सर्विस ब्रेक्स एम्प्लॉयड इन अ कार आर जनरली ऑपरेटेड हाइड्रोलिकली। द सर्विस ब्रेक आर एम्प्लॉयड इन अ कार आर जनरली ऑपरेटेड हाइड्रोलिकली। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ टर्निंग रेडियस गेजेस इज टू मेजर द टर्निंग रेडियस ऑफ द लेफ्ट एंड राइट व्हील्स। द मेन पर्पस ऑफ टर्निंग रेडियस गेजेस इज टू मेजर। जो टर्निंग रेडियस गेजेस है उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? टर्निंग रेडियस ऑफ द लेफ्ट एंड राइट व्हील को मेजर करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉब्लम कॉज बाय द व्हील इम्बैलेंस आर
स्टीयरिंग व्हील वाइब्रेशन एंड अनइवन टायर वियर। क्लियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द इंड्यूस्ड एंगल इज द सम ऑफ द कैम्बर एंड एस ए आई। द इंड्यूस्ड एंगल इज द सम ऑफ कैम्बर एंड एस ए आई। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैस्टर इज कॉल्ड पॉजिटिव व्हेन द टॉप ऑफ द किंग पिन इज इंक्लाइन टू द रियर ऑफ द व्हील। द कैस्टर इज कॉल्ड पॉजिटिव व्हेन the top of the kingpin is inclined to the rear of the wheel. Clear, next question. Next question is, the effect of having excess camber is uneven tire wear. The effect of having excess camber is uneven tire wear. Clear, next question. When top of the wheel is tilted outward, then it is called positive camber. Positive camber means the top of the wheel is tilted outward, is known as positive camber. Clear, next question. Tilting of the front wheel away from the vehicle when viewed from the front of the car is called camber. Correct answer is camber. Clear, next question. The advantages of tubeless tire over tube tire is slow air leakage, less chance of running flat. Clear, next question. The temperature at which tire inclination pressure should be checked is ambient temperature. Correct answer is ambient temperature. The temperature at which tire inclination pressure should be checked is ambient temperature. Clear, next question. The aspect ratio of the tire is defined as the ratio of section height to section width. Most important question, very very important question. The aspect ratio is defined as the ratio of section width to section height to section width. Clear, next question. Next question is, in comparison with radial tire, one advantage of Vespa tire is smoother ride to low speed. Smoother ride at low speed. Clear, next question. The tire rotation is generally done at 10,000 किलोमीटर। जो टायर की रोटेशन होती है वो कितनी होती है, एक टायर की बेसिकली वो होती है 10,000 किलोमीटर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक पर्पस ऑफ अ टायर रोटेशन इन ऑटो ऑन ऑटोमोबाइल इज टू इक्विलाइज वियर। द बेसिक पर्पस ऑफ टायर रोटेशन ऑन ऑटोमोबाइल इज टू इक्विलाइज वियर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ओवर इन्फ्लेटेड टायर विल वियर द थर्ड मोस्ट नियर द सॉरी द ओवर इन्फ्लेटेड टायर विल वियर द थ्रेड मोस्ट नियर द सेंटर। क्लियर, करेक्ट आंसर इज सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अंडर इन्फ्लेटेड टायर विल वियर द थ्रेड मोस्ट नियर द एजेस। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीड वायर्स आर मेड ऑफ स्टील। जो बीड वायर्स होता है वो किससे बना होता है, स्टील से। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्कोनाइजिंग मीन्स हीटिंग रबर अंडर द प्रेशर। द हीटिंग रबर अंडर द प्रेशर इज नोन एज वेल्कोनाइजेशन और वेल्कोनाइजिंग। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू जनरल टाइप्स ऑफ टायर्स आर ट्यूब एंड ट्यूबलेस टायर। टू जनरल टाइप ऑफ टायर्स, वन इज ट्यूब टायर एंड अनदर इज ट्यूबलेस टायर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक पर्पस ऑफ टायर इज टू grip the road and providing good traction. The basic purpose of tire is to grip the road and provide good traction. Clear, next question, in vehicles with the tilt steering, the steering column is pivoted in lower bracket. Clear, next question. Next question, the component that connects the steering rack to the knuckle is tie rod. The component that connect the steering rack to the knuckle is tie rod. Clear, next question, in an hydraulic power steering system, the power steering pump is drive by belt driven by crankshaft. In hydraulic power steering system, the power steering pump is driven by belt driven by crankshaft. Clear, next question, the component that is responsible for converting the rotation of the steering wheel into lateral motion is steering gearbox. Clear, next question. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैम्पर इज आल्सो नोन एज शॉक एब्जॉर्बर। जो डैम्पर होता है उसको क्या कहा जाता है, शॉक एब्जॉर्बर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैम्पर इन एन ऑटोमोबाइल इज यूज टू डिसिपेट द एनर्जी। डैम्पर इन एन ऑटोमोबाइल इज यूज टू डिसिपेट द एनर्जी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ चेसिस। सीट, द सीट्स आर नॉट द पार्ट ऑफ चेसिस। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन फोर व्हील ड्राइव नंबर ऑफ गियर बॉक्सेस आर, देर आर टू नंबर ऑफ गियर बॉक्सेस इन फोर व्हील ड्राइव, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द गियर बॉक्स हैज फोर फॉरवर्ड स्पीड एंड वन रिवर्स स्पीड, इट इज सेड टू बी फोर स्पीड गियर बॉक्स। रिमेंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन ए गियर बॉक्स हैज फोर फॉरवर्ड स्पीड एंड वन रिवर्स स्पीड, इज सेड टू बी फोर स्पीड गियर बॉक्स, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन इन एन ऑटोमोबाइल इज टू वेरी द टॉर्क एट द व्हील, द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन इन एन ऑटोमोबाइल इज टू वेरी द टॉर्क एट द व्हील, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सिंगल ड्राइव प्लेट क्लच टॉर्सनल वाइब्रेशन आर एब्सॉर्ब बाय कॉइल स्प्रिंग, इन अ सिंगल प्लेट ड्राइव क्लच टॉर्सनल वाइब्रेशन आर एब्सॉर्ब बाय कॉइल स्प्रिंग, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लच फेसिंग आर यूजली अटैच्ड टू द प्लेट बाय ब्रास रिवेट, द क्लच फेसिंग आर यूजली अटैच्ड टू द प्लेट बाय ब्रास रिवेट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुशनिंग स्प्रिंग इन अ क्लच प्लेट रिड्यूस जर्की स्टार्ट, द कुशनिंग स्प्रिंग इन अ क्लच प्लेट रिड्यूस जर्की स्टार्ट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द क्लच फेसिंग इज अप्रॉक्सीमेटली 0.4, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द क्लच फेसिंग इज अप्रॉक्सीमेटली 0.4, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लच इज लोकेटेड बिटवीन द ट्रांसमिशन एंड द इंजिन, तो क्लच होती है वो कहाँ पे लोकेटेड होती है, ट्रांसमिशन एंड इंजिन के बीच वो लोकेटेड होती है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, टैकोमीटर इन अ व्हीकल मेजर इंजिन आरपीएम, जो टैकोमीटर होता है व्हीकल में किस लिए यूज़ किया जाता है, इंजन का जो आरपीएम होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट उसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्लियर है। तो बस यही थी हमारी एक छोटी सी वीडियो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, सेकंड पार्ट पे मैंने अपलोड की थी। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके बताइए कि मैं इसका थर्ड पार्ट भी अपलोड करूँ, और अगर नहीं तो आपको अगर लगता है किसी और जो मैकेनिकल इंजन से रिलेटेड कोई भी चैप्टर है उस पर आपको अगर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आप बहुत जल्द आपको वो भी वीडियो प्रोवाइड करवा दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कम्प्लीट एग्जाम ऑलवेज विथ यू।